मार्च की शिवरात्रि और उसके परिप्रे गुरुजन दिवस वैधर्म योग ये सारे योग दूसरे योग कहलाए जाते हैं और इन योगों पर ऐसे कृत्य को बोध करना चाहिए इसमें शुभ काम बहुत कम लोग करते हैं और अशुभ काम अपनाते हैं और यह अपनाने की प्रक्रिया है जिसे सब कुछ छोड़ दिया गया जिसे रिक्ता तिथि कहा गया उसको अपनाने वाले शिव कहलाते हैं। चतुर्दशी और अमावस्या को शायद हम बुरा दिन समझते हैं यानी चतुर्दशी भगवान शिव की शिवरात्रि कहलाई जाती है और अमावस्या रुद्रगण की त्योहार वाले दिन कहलाई जाती है जब शिव अपने रुद्रगणों को शक्ति देते हैं या उनको ऐसा मार्ग बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ छोड़ा गया है अंधेरा हो गया तो अंधेरे में कैसा किया जाए यह रुद्रगणों को बताया जाता है। इस संसार में श्मशान में छूट के आने के बाद जितना वहां गंदापन होता है उसे किस तरह शुक्र किया जाए यह रुद्रगणों को बताया जाता है। वहां के भस्म को कुछ भी ना रखते हुए रुद्रगण अपने शरीर पर धारण करते हैं। मैं इसे सुरेश जी ने बताया कि अघोर यह कोई ऐसा कृत्य नहीं है जो भ्रांतक हो आज तक के लोगों ने इतिहास पर बनाया है। अघोर एक विद्या है बिना अघोर विद्या के कोई देवता देवता नहीं बनता कोई यज्ञ कर्म के अंदर देवता नहीं बनता पूजा जाता। साधारण मनुष्य साधारण जीवन जीता है लेकिन हम किसी भी देवता को देखते हैं तो आज भगवान ब्रह्मा को लो चतुर्मुख है। अगर आप यहां पर चार मुख वाला पैदा हो जाए तो आप उसका मुंह भी नहीं देखने जाएंगे चार मुख वाला चार में मुख कार्ड भी बोलेंगे और कोई कमल पर खड़े हो जाए जल पर चलता है जिसको एक विचित्र दृष्टि से देखा जाएगा अगर वो पानी पर चलता है किसी को यह कहकर देखा जाए कि वह सांप के ऊपर बैठा हुआ है तो देख लिया ये क्या बहुत कुछ कर रहा है जमीन पर अच्छा बैठ सकते हैं सांप पर बैठा हुआ है। आप एक कहेंगे भगवान विष्णु सांप पर बैठे हुए हैं दस प्रमंडा सांप पर क्या हुआ हो ही नहीं है वो कोई कृत्य साधारण में चल सकता है केवल अघोर किया जाने वाला ही सांप पर चल सकता है और वही समुद्र के जल पर अपना आसन बना सकता है या पृथ्वी पर पृथ्वी खरीदने लेकर जैसे जल पर सांप का आसन लेकर उसपे योग मुद्रा में शरीर विष्णु के बाद कल्पना करके लिए कोई जुड़ा हो रही है या साधारण से साधारण देवता है ऐसा कोई देवता नहीं जो कमल के पुरुष पर न बैठा हुआ हो क्या कमल के उस पर बैठे कमल के उस पर बैठना तो क्या कमल के पुरुष को तीन तीन दिन में पकड़ नहीं सकते उस पर बैठने अघोर पुत्र और घोर पुत्र में मैंने शुरू बताया था घोर पुत्र वो कहलाया वो कहलाया जाता है जिसे हम न जानते हुए हमारे ऊपर संकट आ जाए एक्सीडेंट हो गया कोई घोर घटना हो गई ऐसा कहते हैं कोई घोर यूं ही मर जाए बातें ना कहें घोर पुत्र हो गई ऐसा कहते हैं किसी ने मार दिया हो तो घोर का विकार आ गया है या घोर की मृत्यु हो गई ऐसा कहते हैं इसलिए ऐसा घोर पुत्र का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं जो जान कर किया जाता है उसे अघोर कहा गया है माता प्रधानमंत्री ने अपना सर काट के हाथ में लिया वो अघोर पुत्र है। माता काली ने शिव को नीचे डाला प्रणाम व्यवहार करके वो अघोर पुत्र है क्यों क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हारे दुर्गुणों को अपने पास ले लें वो काली पुत्री है। आज मैंने इतना सुबह बताया माता सती और शिव जी का भाषण जैसे बताया तो शिव जी को माता सती पूछ रही थी कि ये शिव आप हर घर पूजे जाते हैं हर जगह आप योग विज्ञान बैठे हुए होते हैं क्या मुझे पूजा नहीं की थी सती की तब तक पूजा का केवल शिव की पत्नी के रूप में पूजा थी लेकिन सती की एक इंडिविजुअल पूजा नहीं थी। तो शिव जी कहते हैं हे सती तूने कभी अघोर विद्या की नहीं अरे अघोर विद्या का तूने अभ्यास ही नहीं किया तो कैसे पूजे जाओगे तुझे कहा अघोर विद्या क्या होती है पहले मैंने जया सांप पहना तो पहले मैं जया सांप नहीं पहन दी फिर मैं अघोर हूं मैं सांप पहना हुआ वृद्ध का वृद्ध धारण किया हूं तू पहन ले सती ने कहा मैं मेरा ये काम नहीं करती अच्छा अघोर पहनने वाली हो तो सांप पहन को पहन ले सर पे गंगा को धारण कर सकती हो नहीं धारण कर सकती हिमालय में ठंडी में नंगे पूरे कपड़े निकाल कर बैठ सकती हो नहीं बैठ सकती ये अघोर पुत्र जो करता है वो देवता मंत्र पूजा जाता है और उस पर बैठने वाला ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा पूजा जाता है। शिव जी जो अपने गले में नाम धारण करके पूजे जाते हैं
नाम समय पर विष्णु पूजे जाते हैं, तो ये अघोर विद्या की मैंने इनको विद्या सिखाई है और ये पूजे जाते हैं। अघोर विद्या जिसको नहीं आई तो पूजे नहीं जाते सभी, इसलिए तो ये श्री अघोर विद्या की दीक्षा दी थी। सत्य कहा ये दीक्षा कब लोगी, लेकिन याद रहा इस दीक्षा में बहुत कठिनाई है। सती ने भगवान श्री से अघोर विद्या लेने से इनकार करके मैं नहीं लूंगी, तो यह बात दशरथ ब्राह्मण को बताई गई कि शिवजी सती को जब अघोर विद्या देना चाहते हैं ये गलत बात है, जैसे आदर की धारणा है। तो दशरथ ब्राह्मण ने कहा मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि बिना अघोर विद्या की पूजा जाऊंगा, सारा संसार मुझे पूजा मेरी पूजा करेगा, ऐसा दशरथ ब्राह्मण ने कहा। और दशरथ ब्राह्मण बिना शिव को बुलाए यज्ञ का यज्ञ घोषणा कर दी। जब यह बात सती को पता चली तो सती ने कहा देखा शिव तुमने कहा था कोई कहता था ना बिना अघोर विद्या की पूजा मेरे लगे का मेरा बाप एक यज्ञ कर रहा है, इसमें यज्ञ में जो भी प्रवेश करेगा यज्ञ में जो भी भाग लेगा और पूजा जाएगा और मैं उस यज्ञ में जाऊंगी। शिव जी हंसे और कहा हे सती तू मत जा, एक तेरा अपमान होगा, तेरा बाप तो पूजा नहीं जाएगा उल्टा तेरी सती जी हो जाएगी, तो मत जा। सती को बार बार शिव जी कह रहे थे सती मान ले, सची गई और कहा पिताजी जो तुम यज्ञ कर रहे हैं मैं उसमें आई हूँ। उसने कहा तूने मेरी इतना बात मानकर सुनी थी ना, मैंने तुझे बुलाया नहीं था, मैं तेरे शिव को दामा को पुकार देना चाहता हूँ कि बिना अघोर विद्या के इस संसार में प्रकट पूजा जाता है। और उसने वो यज्ञ का किया था। ये बात जो नारद से भगवान विष्णु ने की भगवान ब्रह्मा जी ने की तो कहा कि दशरथ ब्राह्मण जी का सत्य कर गया है, क्या काम कर रहा है? आप उसके आगे क्या पता है जैसे माता सती का अपमान हुआ उसको निकाल देने की बात कही तो उसने उसी समय अपने पति से पूछा कि इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सकती, मुझे वो अघोर विद्या दो। और वो अघोर विद्या देने से शिव जी हंस रहे थे, मैंने कहा कि पहले ही नहीं जाने की बात कह रहा था तो गई। लेकिन शिव जी के बहुत साधना करने पर उसने योगा का निर्माण किया और अपने शरीर का दान कर दिया। जब ये पता चला कि माता सती अपना शरीर जला रही है तो शिव जी बात कर रहे हैं और सती के शरीर को अपने अंग पर डाल लिया और कहा कि मैंने तुझे अघोर विद्या दिया था, आज सभी के मैंने तुझे अघोर विद्या दी है और तुम इस शरीर को जलाकर जो अघोर उठना अघोर तुमने का बताया है, अघोर की शिक्षा की, अघोर का विधान किया है, आज तेरे खंडित अंग पूजे जाएंगे। आज आप जानते हैं उस अघोर विद्या के कारण ये पावन शक्ति पीठ बने और माता का हर अंग पूजा जाता है, अपना मान शक्ति पीठ है। ये अघोर महाविद्या में जो कार्य साधारण मनुष्य नहीं कर सकता वो कार्य करने के विधान को जिसे छोड़ दिया गया है जिसे नहीं करना चाहिए उस करने की प्रक्रिया को लोग कल्याणार्थ करने की प्रक्रिया को अघोर कहा गया है। इसलिए शिव अघोर है, इसलिए विष्णु अघोर है, इसलिए ब्रह्मा अघोर है। जब हृदय विष्णु का मरण नहीं हो रहा था तो भगवान विष्णु ने जाकर शिव जी प्रार्थना किया था आप मेरे गुरु हो बताओ मुझे क्या करना है, हृदय विष्णु को जो मान के सकते उसने ऐसा वरदान लेकर बैठा हुआ है। तो भगवान शिव कहते हैं कि क्या छिन्नमस्ता का छिन्नमस्ता महाविद्या के पास जाओ और उस महाविद्या को करो। छिन्नमस्ता को जब पूछा गया तो इसमें जब तक तुम अघोर होकर नहीं करोगे हृदय विष्णु को नहीं मार सकोगे। विष्णु ने अपना सर काट लिया, उसकी जगह शिवों का सर लगाया, तब इस अघोर वृत्ति के कारण आए और हृदय विष्णु को उन्होंने मारा, तब वो पूजनीय हुए, उस समय अग्नि की पूजा हुई। मैं ये सुभद्र बात बता रहा हूं, एक बार किसी तरह हुआ और किसी ने पूछ लिया कि राम और कृष्ण का फर्क क्या है, क्योंकि राम चंद्र जी के गुरु वशिष्ठ थे और वशिष्ठ मैंने श्री जी से बताया अघोर विद्या के ज्ञाता है, वे वेदों को ही मानते थे, अघोर विद्या को ही मानते थे और विश्वास का केवल अघोरी थे, उन्होंने अपने सौ पुत्रों को मार दिया था। और जब अघोर विद्या के नहीं सिंह के कारण उनके सौ पुत्र बने तो अरुण जी और वशिष्ठ जी ने शिव जी की प्रार्थना की और अघोर विद्या उसी की प्रार्थना की और उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को फिर जिंदा देने के लिए अघोर विद्या को प्राप्त किया और विश्वामित्र के जीत चलाए और वही गुरु थे श्री रामचंद्र जी के। और रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ होने के कारण रामचंद्र जी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किए जो असाधारण मन गठन कर दिए, जबकि उनके एक निंदा के कारण सीता गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ना पड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति क्योंकि अघोर विद्या रामचंद्र जी को नहीं आती थी, उनके गुरु को नहीं आती थी, वेदों के मार्ग को निकलवा लेंगे, इसे रामचंद्र जी अघोरी ना हुए उसे जीवन भर को मार बोलना पड़ा। लेकिन वही श्री कृष्ण के पास आ जाओ और श्री कृष्ण के पास पूछा जाए तो श्री कृष्ण माया कहती है कि हे कृष्ण तू जब पैदा हो रहा था मैं तेरे साथ बहन बन करके घर में तेरे मां के साथ आई और मैं उसी समय से इस संत के व्रत को लेकर मैंने अघोर विद्या अघोर शिक्षा दी। तू जब पैदा हुआ तो जय के द्वारा
उसके आटे वाले खुल गए। तू जब पैदा हुआ तेरी माँ ने तुम झाड़ को बांध के रखी थी कि वो झाड़ को छोड़ के दोनों रखने पर ध्वंस किया। खाली ऐसे थे नाक को यमुना नदी में उतार कर मारा, ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। वृत्ताश्रम को जो उपर से चतुर्युग में लेकर भाग जाया था उसको उठा कर मारा, ऐसा पार्षद की लीला केवल अघोरियों को ही साध्य है। और कृष्ण अघोरी थे, अघोरिया की ज्ञाता थे, क्योंकि उसकी बहन माया महाकाली विद्यावर्धिनी ने उनको यह शिक्षा दी थी और वो बचपन से इस विद्या को लेकर पैदा हुए थे। इसके कृष्ण के जीवन में कभी उन्होंने सुख नहीं होगा, अच्छे अच्छे लोगों को प्रचार कर किया क्योंकि वे अघोरी थे और बचपन से ही पूजनीय बने। जबकि रामचंद्र जी उनको पूजनीय में रामचंद्र जी रावण को मार के आए तब रामचंद्र जी की पूजा हुई। हम इस अघोर कृत्य को जो घोरता से हटकर करते हैं इसे अघोर कृत्य कहा है। और सती माता जब अपने 52 सती पीठों के साथ जो पूजी गई और माता पार्वती बन कराई तब उन्होंने शिवजी भगवान शिवजी से प्रकट करके कहा कि मुझे अब अघोर कृत्य प्रदान करो। और शिवजी ने जब अघोर कृत्य आपको प्रदान की तो यह जगमहान क्या जो आप देख रहे हैं ये माता पार्वती के लिए है। और यह जगमहान क्या भी लोग कल्याण से पूजे जाते हैं, लेकिन हमें एक एक विद्या के अगर हम इतिहास को देखें तो एक भी विद्या ऐसी नहीं है जो असाधारण है। साधारण कर सकता हूं, इसलिए हम देखते हैं कि कुंडमालाएं चली हुई, हाथ में तलवार आदि को धारण की हुई, चार हाथों को धारण करने वाली माता पार्वती को तो कभी भी दूरी नहीं देखी। लेकिन जब उन्होंने अघोर किया था अघोर जय तरीके की तब वे दशमहल क्या कहलाई, और दशमहल क्या कहलाने के बाद वे इस तरह सभी कि वे शिवजी को भी छोड़ नहीं सकी, वो इसके सचिवान हो गए। और शिवजी को जब ये विद्या देने गई तब उन्होंने कहा कि हे पार्वती तू अब जिस महाविद्याओं का तुम्हें अवतार लेकर इन विद्याओं के रूप में तुम्हें दिया है मैं तेरी आराधना करता हूं। और शिव बिना शव बने रहे जब तक माता ने यह विद्या प्रदान की। आज भी आप जानते हैं मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण ने जब राधा से प्रेम किया तो राधा ने कहा कि श्री कृष्ण तुम मुझे बताते हो तो सब लोग मोहित हो जाते हैं, सारा संसार मोहित होता है, जबकि तुम मुझे इतना प्रेम करते हो किस लिए करते हो। तो कृष्ण ने कहा कि राधा तू अघोरी थी। राधा को पता नहीं चला कि मैं अघोरी किस तरह तुम मुझे अघोरी कहते हो। तो कृष्ण ने एक राज की बात बताई, तुमने और मैंने गत जन्म में माता पार्वती की साधना की थी और छिन्नमस्ता महाविद्या के आराधक हम दोनों मिलकर विपरीत मैथुन नदी में मंगला देवी के पास अपनी साधना संपन्न की थी और तब से वे राधा के साथ पूजनीय हुए। जैसे रुक्मिणी आज आप देखते हैं कि रुक्मिणी के अष्टभाग्याएं कृष्ण को है, लेकिन कृष्ण का नाम राधा के साथ ही लिया जाता है पूजनीय क्योंकि वो अघोर विद्या के ज्ञाता है। अघोर विद्या उसे कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, मैंने यही बात की। और वो लोग कल्याणार्थ हो उसे अघोर विद्या का है। घोर का अर्थ होता है कि हम न जानकर हमारे शरीर पर संकट आते हुए हम मर जाते हैं, और जानकर संक्रमण को लेना या जानकर बुराइयों को अपने ऊपर लेते हुए लोगों का कल्याण करना उसे अघोर कहा गया। यह बात सुनी नहीं थी तब जब देवताओं ने मंथन करते हुए पीछे बाहर आया सब लोग भाग गए। अमृत की लगी लोग ये तो तड़प रहे थे कि लोक कल्याणार्थ शिव ने उस अलाह जिसको अपने कंठ में धारण किया क्योंकि वे अघोर। और तब वे पूछे गए सारा संसार में अस्तित्व का था या अघोर रूप किए। आदि शंकराचार्य वाराणसी में गए और जब उन्होंने उस समाज के घर में शीशा मुख को पीने के लिए भिक्षा में दिया गया तो वे जब कंठ में धारण गए तब शंकराचार्य जलद्रो को तक पूजे गए। ऐसा कोई संत ऐसा कोई देवता ऐसा कोई यक्ष गंधर्व पूजा नहीं जो लोग कल्याणार्थ अघोर विद्या बना करके पूजा गया। अघोर विद्या कोई फुलित विद्या नहीं है, अघोर विद्या कोई बेकार विद्या नहीं है। अघोर उसे कहा जाता है कि संसार के फुलित चीजों को लेकर उसको लोक कल्याणार्थ आगे बढ़े, लोक कल्याणार्थ को उपयोग करें उसे अघोर कहा गया है। और जिस विद्या के आज आपको बात कर रहा परम पूज्य सत्यदेव जी ने यह सिद्धार्थ करके नहीं दिव्याश्रम के जो मूल्य की स्थापित की हुई दिव्याश्रम है उसमें केवल थोड़े ही लोगों को यह विद्या प्रदान की। इस विद्या में मनुष्य अपने शरीर से छोड़े हुए जरा हुआ भस्म से लेकर वो चाहे भस्म किसी का भी हो या नवलोक का हो उनके भस्मों को धारण रखते हुए जो विद्या को धारण करता है कि संसार में हम जले हुए तो कोई लेते ही वो तो भस्म बेकार है, वो जरा हुआ है वो अन्य फेरने लायक है। लेकिन शिव जी कहते हैं मैं उसे धारण करके बता देता हूँ तो वो संसार कितना श्रेष्ठ है। और उन्हें उस भस्म से चाहे शंकराचार्य हो या चाहे बृहस्पति जी
जिन्होंने लेना भी चाहता है जब तक इंडिया नहीं थे उन्होंने प्रसन्न जीवन इंडिया नहीं थी तो वृद्ध लोगों को चिंता किया चिंता करनी चाहिए। हम जानते हैं लखमुर्ति लक्ष्मण को भगवान हनुमान जी ने संजीवनी लाकर जिंदा किया था, जबकि श्री कृष्ण ने वही वृद्ध अपने गुरु के शिष्य को अपनी अपनी विद्या से जाकर उसके प्राण को खींच के लाकर आत्मा को लाकर उसकी जिंदा करके अपने गुरु को प्रदान किया था। वो भी कृष्ण थे, ये भी राम थे, ये भी जो विष्णु अवतार थे, लेकिन गुरु की विद्या कौन सी सीखी गई और कौन सी दी गई, जब तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक हम कृष्ण और राम को जान सकते हैं। कृष्ण और राम की हमारी श्रद्धा, हमारी विद्या, हमारी श्रेष्ठता, अघोर व्यक्ति जो हमारा चिंतन है वो मुझे निकाल देने की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अघोर का कृत्य इस संसार में वो होता है जो लोग कल्याण करता है। आप अगर सारा महान क्या कहना चाहते हो तो कभी ये बात क्या करते हो, सारा महान क्या कहते समय अगर आप अपने पास अर्थ सफेद अर्थ का वृक्ष सफेद अर्थ के फूल को तिरक अपने माथे पर कर लो और सिंदूर का तिरक सिंदूर से मिलाकर सफेद अर्थ का तिरक कर लो जो यहाँ आपको जलता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ ठट्टा पड़ेगा लेकिन तीसरा आपको खुल जाएगा। सारा जरूर दर्शन देगी, सारा साकार करते समय गोमूत्र का सेवन उसमें साथ उसके साथ जरा सा शहद डालकर पियो वो विष बनता है, लेकिन उसको सेवन करो सारा सिद्ध हो जाए। काली की साधना करते समय स्मशान भस्म को अपने आसन के नीचे डालकर आप बैठ जाओ और माँ काली की साधना करके देखो आपको सारा ज्ञान होगा, क्योंकि आप इस जीवन की मृत्युओं में जो देखना चाहते हैं उसे अच्छे से रखने की तीसरी आप मिलेगी और ज्ञान दिला सकेंगे। ये अवसर प्रक्रिया है, लेकिन हम क्या अवैध प्रक्रिया में कर सकेंगे, इससे पहले करने से पहले हमें डर लगता है, हम स्मशान में जाने के पहले करते हैं, शव को छूने के लिए डरते हैं, शव के पास जाने की दुकान दूर रही स्मशान प्रभु को छूने के लिए डरते हैं, क्योंकि ये अवैध प्रक्रिया में सहा नहीं जाता है। लेकिन शिव जी कहते हैं कि इसमें डरने की बात नहीं है, तुम जो इस संसार में टूट गया है उसे तुम प्राप्त करो, उसको जिंदा कर सकते हो, उसको मुक्त दिला सकते हो, जिस मंत्र को आप धारण करते हुए शिव का मंत्र करो उसको मुक्त मिल जाएगा। आपकी जिसकी आंख अगर खोली है तो मेरे रुद्र अक्ष का मतलब आंख थी, मेरे रुद्र मेरे आंखों से मेरे रुद्राक्ष को आप पहन लो और धारण करके प्रधान में जाकर बैठे, किसी महाविद्या को किसी देवता को बुलाओ उसको आना ही होगा, लेकिन हम प्रधान में जाकर बैठे नहीं डर जाते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हम दूर से हमें एक डर पैदा कर दिया गया है और इस स्थिति को प्रणाम कर पा गया है। आज मैं अभी अभी कह रहा था कि एक डॉक्टर अगर शव को फाड़कर उसके शरीर का ध्यान नहीं पाता तो आज आगे आहार आपस नहीं कर सकता था, उसको शरीर फाड़ना ही पड़ता है, शव को देखना ही पड़ता है, तब उसके अपने शरीर के अंदर का ज्ञान होता है, सब कहीं वो विद्यवान या वही रखता है, तो क्या वो शव को शव का ज्ञान नहीं किया, शव के ज्ञान के लिए उसने नहीं किया तो क्या वो अहोश होती नहीं है, शव को लेकर बिना बारिश वाले उसको पता करता है क्या ज्ञान है शरीर किसे कहते हैं। तो ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के लोग कल्याण से बचा किया जाता है उसे अवर किया, लेकिन आज तक क्या होगी यह कार्य नहीं करते, वो लोग पीने में या स्मशान पर या शव पर बैठने में या स्मशान में बैठकर भटका लोगों को डराने की प्रक्रिया करते हैं, उनके पास कोई विद्या नहीं है, 1 लाख मान लो तो जहाँ के वहां चले जाएंगे क्योंकि उनके पास विद्या नहीं है, विद्या केवल उनके पास होती है जो इस संसार में अच्छे से व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति रखते हो, वृद्ध गर्भ को अपने स्थान में देखने की शक्ति रखते हो, शिव जी को अपने साथ रखने की शक्ति रखते हो, शिव जी को अपने आंखों से देखने की शक्ति रखते हो, शिव वो है जो सब नहीं है और ये सब नहीं है की प्रक्रिया केवल शिव जी बता सकते हैं, इसलिए मुझे आप बोल पा रहा और ठंडी में भी हिमालय से जिसमें हिमालय के पर्वतों में भी अपने शेर पर लगे रुद्राक्ष डालकर केवल शेर को कुछ न बैठे दूसरे बैठे हुए बैठे हुए हैं, उनका को सर पर रखे हुए बैठे हुए हैं, उनको ठंडी नहीं लगती सर्दी नहीं लगती क्योंकि वो योगा करके डरते हैं, उनका अंग गर्म है क्योंकि शरीर में क्योंकि तेज है और तेज ही सदियों से ऊपर चलते हैं। क्या किसी को पता है आज भगवान विष्णु शाम को सोए हुए हैं और समुद्र के जल में बैठे हुए हैं, क्या ये बात है, एक आप छोटी सी चीज या समझ के लहरों पर रखे देखो चिंता भी नहीं लगती और यह तो विष्णु भगवान शाम को सोए योग निद्रा में सत्य को निद्रा को डिस्टर्ब भी नहीं होता, ये कौन सी प्रक्रिया है, क्योंकि ये लोग कल्याणार्थ रहने वाले लोग यहाँ भक्ति पर रहने से आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए समुद्र के मध्य में सब के ऊपर गए हैं कि उनकी योग निद्रा में उनकी योग कार्य में कोई डिस्टर्ब ना करें, इसलिए उन्होंने वो स्थान चुना है। कमल पर रहना कमल पर बैठना इसके पीछे का अर्थ क्या है, आपके संत संदर्भ में या आपके संसार में गुरु निवास करते हैं इसका अर्थ क्या है, गुरु शरीर है या गुरु ज्ञान है,
आपका संसार जादू से आपने कभी देखा है? आप किसी डॉक्टर को पूछो कि आपके सहस्त्र कमल को खरीदो तो लोग आदमी बोल सकता है सहस्त्र कमल है। क्या आपके पास में षटचक्र है? किसी स्कैनिंग से निकाल के वो षटचक्र लिखते हैं क्या? किसी षटचक्र नहीं लिखते, कोई नाड़ी मंडल नहीं लिखता, कोई नाड़ियां नहीं लिखती और कोई संस्था नहीं लिखता, कोई स्कैनिंग नहीं लिखता। लेकिन हमारे योगी के लिए यह है जेल में और जिसकी जागृति हुई वो अमोर है। और इसको किस प्रकार जागरूक किया जाता है यह एक विचार है। आज मैंने पहले भी कहा कि जड़ को भी चलाने सकते हैं कि उन्होंने जीवा को चलाया, जेड़े के हाथ से गाय की मुंह से बुलवाया। ये क्या कौन सी प्रक्रिया है? क्या करने पर यह प्रक्रिया हुई कि उन्होंने ये अगौर उपाय किया? ये सारा आदमी नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया को करने के जो मैंने आज सुबह से आपके पास भारत बिल्डिंग पर रुद्राक्ष लेकर इस मंत्रों का आह्वान किया है, आज शिवरात्रि के ऊपर मैंने सुबह भी कहा कि कोई ऐसा गुरु शायद ही होगा कि सामूहिक रूप में अघोर विद्या को प्रदान किया हो। इस अघोर मंत्र को जो आज रात में 10:48 से लेकर 12 बजे तक के समय में आपसे जितना हो सके उतना स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करोगे उनको अघोर शिक्षा दी जाएगी। और जो अघोर किसी व्यक्तित्व है वो संसार में कहीं भी बैठा हुआ हो वो लोग कल्याण करने वाले कोई कुछ जुगाड़ नहीं रखता, उसके ऊपर कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई यक्ष मंत्र की महिमालाएं उठा कर नहीं ले जा सकते और वे यहाँ बैठे में आनंद के साथ बैठ सकते हैं। आपने कभी किसी सिद्धांत जी का फोटो देखा हो? बहुत सारे लोगों ने देखा है जब वे टिबेट में रहा करते थे तो उनकी जपमाला आपने देखिए वो कोई जपमाला की कोई चीज भी नहीं है जिसमें हम जपमाला छुपा के रखें और खुले आम जप कर रहे थे। यही बात सिद्धांत और इसने हमारे एक हर में ऐसा पूछा कि प्रभु आप कहते हैं कि जपमाला को छुपा के करना करिए, सिद्धांत जी तो खुले खुले आम कर रहे हैं क्योंकि सिद्धांत जी अघोरी थे, उनके पास कोई इलेक्ट्रिक माला का जप कर लेने के लिए उनकी ताकत नहीं थी। और जो अघोरी होता है उसके पास किसकी माला है और पत्नी जी की ताकत किसी को नहीं रहती, उसको पूछ के ही उसको नमस्कार करके उसके बाद में लिया जा सकता है लेकिन उसको लूट के कोई ले नहीं ले जा सकता, उसको सगा के भी नहीं लिया जा सकता, उसको कोई सता के नहीं ले जा सकता क्योंकि वह अघोरी। किसी देवता के लिए मजाक नहीं कि उसके पास से कोई ठगते उसका काम करे। यह अघोर विद्या घृणास्पद विद्या नहीं है, यही बार बार बता रहा हूं। ये घृणास्पद विद्या नहीं है। हर सांसारिक माता राधा ने हो, माता सती ने हो, माता पार्वती ने हो, आपने देखा है माता पार्वती ने पानी पर हवा खाकर भगवान शिव की चारों तरफ प्रत्याशी लाकर उन्होंने साधनाएं संपन्न की। ये अघोर साधना है क्योंकि शिवजी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने की। माता पार्वती जैसे श्री को इस अघोर विद्या से शिव की प्राप्ति होती है तो हम कहां बैठे हैं? हम हमें कौन सी साधना की? जब दुर्दर्शना के रूप में भगवान श्री कृष्ण से वृद्ध शिष्य को डाकर गुरु को देने देने के बाद उसको विद्या प्रदान प्राप्त होती है तो यह अघोर प्रक्रिया हम शिष्य ने हमने दुर्दर्शन कर दी। जब यह प्रक्रिया हमारे में नहीं आई तब तक हम प्रेत या महान नहीं कर सकते। और यह अघोर विद्या को सीखने के लिए आज मैं इस विद्या को इसलिए दे रहा हूं कि यह इसी से साकेत जगमहान विद्या केंद्र बनने से पहले आप अघोर विद्या के धारक बन जाओ, अघोर विद्या के पारंगत बन जाओ ताकि आपको दशमान विद्या करने की साधना करने के लिए आपको कोई अड़चन का निर्माण हो या कोई तांत्रिक या कोई रुद्रगण या कोई भूत प्रेत आदि आपको आकार से निर्माण कर सके। एक बार इस विद्या को धारण कर लिया और विद्या को सिद्ध कर लिया आप जहां भी बैठे हो इस दशमान विद्या की साधना कर सकते हैं। मैं तुम्हें जो रुद्राक्ष का आपको किया गया था उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में रख लूं और मैं इस अघोर मंत्र को अभी आपको मेरे मुख से बोल रहा हूं, अघोर मंत्र गुरु को यही देना होता है और इस मंत्र का इस अघोर मंत्र से केवल 108 पुष्पों का या 1,000 पुष्पों का हवन करके जितनी लक्ष्मी मांगोगे जो भी इच्छा पूर्ण करोगे आपके साथ कमल पर बैठे हुए जितने भी देवता है या कमल धारण किए हुए कमल हाथ में लिए हुए जितने भी देवता है आपके सामने प्रसन्न होकर आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं। यह निश्चित है क्योंकि अघोर प्रक्रिया है। भगवान जी ने विष्णु भगवान ने कहा है कि जो मेरे अघोर तत्व के 10 नामों को कमल युक्त फूल के साथ हवन करता है इस अघोर दीक्षा के बाद और इस करने वाले को मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ जिसके कमलधारी देवता है या कमल पर निवास करने वाले देवता है और जिनके कमल नए हैं ऐसे कोई भी देवता हो वो प्रसन्न होकर उन्हें उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो मैं आज उस अघोर मंत्र को आपको मेरे साथ दे रहा हूं। इसके लिए आपको थोड़ा कष्ट करना है वो यह
कि आप जो अवरोध मंत्र लेने वाले हैं खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सच बात तो यह है कि एक पैर पर खड़ा होना है आप नहीं खड़े हो सकते, मुझे पता है, लेकिन प्रयत्न कीजिए, मैं मंत्र दे रहा हूं। रुद्राक्ष को अपने हाथ में रख लो, इससे पहले कि मैं मंत्र लूं और आपके पास अगर फसम आए तो फसम पहले लगा ले, मैं मंत्र बोल रहा हूं, मेरे साथ आप सोचिए आपके पास है, इसी के पास नाक को रखें, इसमें अघोरी ग्रंथ में कहा गया है कि सूखा हुआ वस्त्र अपने आंख पर अपने नाक के ऊपर लगा लें और आंखों से देखते हुए अगर हमारे आंखों की दृष्टि उस पर पड़े और फसल उड़ता रहे तो वो आदमी अघोरी का ऐसा कहा गया है। तो हम मैं वो भस्म आपको अपने सामने दिया हूं, अपनी दोनों आंखों को नाक के इस सिरा पर नाक के कोने पर आपकी दृष्टि रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र जब करते समय ध्यान पीढ़ी पर रखे और अपने गुरु पर रखे, गुरु जी परमात्मा महेश है और गुरु ही अघोरी है और गुरु ही सब कुछ है, इसकी धारणा मन में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करें। अघोरेभ्यो अथोरेभ्यो घोर घोर करेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य अघोरेभ्यो अथोरेभ्यो घोर घोर करेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य और एक बार अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर करेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य। उसके बाद गायत्री बोल रहा हूं, तत्पुरुषाय विद्महे वाक् विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वाक् विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वाक् विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। आप सभी को इस गायत्री मंत्र को पूर्ण 12 बेसक मंत्रों के बाद केवल 10 बार गायत्री का उच्चारण करना है और उससे दीक्षा लेकर आप अपनी जगह जाकर प्रस्थान करके सो जाओ और कल सुबह 6 बजे आप यहाँ असत्य धर्मराशि की विधान किस तरह होता है, शत्रुनाश का प्रयोग या रोग नाश का प्रयोग कितना भी कैसा भी भैंस का रोग हो उसका नाश किस प्रकार किया जाता है और ग्रस्त सुख किस प्रकार प्राप्त किया जाता है वह कल सहसों के भवन से मैं आपको बताऊंगा। उसके मंत्र विशेष है जो अभी गुंडवारा डालेकर उस विलोपुत्र के यंत्र को सामने रखते हुए इस अघोर मंत्र का जप करते हैं और इसको अपने जीवन भर अपने साथ रख लेते हैं। वो लोग जब कभी भी अपने को आवश्यकता पड़े तो सब 108 कमलों को लाकर इस मंत्र की केवल आहुति दे दे, जीव जी की आहुति दे दे तो आप जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा पूर्ण होगी। जहां कहीं भी बैठे हो सामूहिक रूप से हो या अकेले में हो 108 कमल केवल लाने अपने घर में रख लें और आपका कोई भी संकट हो या कोई घोर कार्य हो गया हो या रोग सता रहा हो शत्रु सता रहे हो तो आप इस रुद्रमणि को या इस रुद्रयंत्र को आपके सामने रख लेकर इस मंत्र माला के साथ 108 बार मंत्र बोलते हुए कमल की आहुतियां दे दो तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती नजर आएगी। मैं 5 या 10 मिनट का समय दे रहा हूं, आप यंत्र लेकर सब लोग यहां आ जाओ।